कैसे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार आने के बाद विधानसभा में 370 को लेकर गदर मचा हुआ है, कैसे घाटी में टारगेट किलिंग और टारगेट पॉलिटिक्स बढ़ गई है। देखिए हमारा ये स्पेशल शो 370 नई गदर कथा। फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। वो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिले कबूल नहीं है। आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं। आज हम आपको कश्मीर की वो दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कश्मीर में बनते नए हालातों की सच्चाई बयां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार आने के बाद से एक तरफ आतंकवादी टारगेट किलिंग कर आम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए हमारे सुरक्षा बल दिन रात जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर 370 पर गदर मचा हुआ है। हाथापाई, मारपीट और सदन के बाहर धक्के देकर विधायकों को निकाला जा रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये दो तस्वीरें कश्मीर की तरक्की को पीछे धकेलने की क्या गहरी साजिश है? क्यों 370 पर एक बार फिर सियासी संग्राम गंभीर हो गया और घाटी में बढ़ते आतंकी हमले बेकाबू होते जा रहे हैं? हर किसी को अब इस बात की चिंता करनी जरूरी है। जरा आतंकी हमले और सदन में संग्राम की टाइमिंग पर भी गौर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के भीतर हाथापाई करने वाले इन नेताओं से सवाल है कि क्या इन्हें आतंकी हमले में मारे जाने वाले परिवारों की कोई चिंता है? ये रबा पकड़कर सदन के बाहर घसीट कर ले जाने वाले इन नेताओं ने क्यों 370 पर नया गदर मचाया हुआ है? की बहाली को लेकर पोस्टर लहरा रहे इन नेताओं को क्या घाटी की शांति बुरी लग रही है? क्या इन माननीयों को दिख रहा है कि देश के जाबाज अपनी जान की बाजी लगाकर भी आतंकवादियों को जहन्नुम भेज रहे हैं? तस्वीरें देखकर तो कहना पड़ेगा शायद बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर लगातार दूसरे दिन 370 पर मारपीट हुई, टेबल पर चढ़कर सदन की मर्यादा तार तार कर दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के भीतर युद्ध का मैदान बन गया। बीजेपी विधायक टेबल से कूदकर वेल में आ गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार सदन के भीतर चुपचाप मार पिटाई देख रहे हैं, लेकिन बाहर आकर 370 पर लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा रेजोल्यूशन इस हाउस से पास कराना जिससे लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो पाए, जिससे कि दुनिया को यह पता चले कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में हमारी राय नहीं ली गई,
हमारी मंजूरी इसमें शामिल नहीं थी। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि 370 की बहाली को लेकर जहां अब्दुल्ला सरकार फिर से नई सियासत कर रही है, वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी मौका दे 370 बहाली प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशन में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाए। बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं जहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पुतला फूंका जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार का। दरअसल धारा 370 पर जो प्रस्ताव पारित जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ है, उसके बाद लगातार जम्मू की सड़कों पर ऐसे नजारे दिख रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिस तरह असेंबली से घसीट कर इन लोगों ने बाहर निकाला है, इन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाया है। सबसे पहले उनका काम बनता है इन टैक्स को रोके, इन चीजों को रोके, ना कि लोगों को गुमराह करे। जो लोगों टैक्स रोकना तो केंद्र सरकार का काम है ना, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन नहीं। अगर बैठे हैं स्टेट में तो उनको इसका मसला हल ढूंढना पड़ेगा। ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते 370 लेके, ये सब लेके इनको जो लोगों से वादे किए हैं उन वादों पे खरा उतरना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने पड़ेगी, 12 सिलेंडर फ्री देने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 370 की बहाली का सपना ना देखें। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आतंकवाद पर जमकर प्रहार करते नजर आए। जहां एक तरफ 370 पर नई सियासी आग भड़की हुई है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 ग्राम रक्षा गार्ड्स को आतंकियों ने जान से मार दिया। आम लोग बेहद गुस्से में हैं। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय। दूसरी ओर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करने के लिए देश के जवान दिन रात एक किए हुए हैं। सोपोर में एनकाउंटर के दौरान अब तक 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। अब आपको एक विश्लेषण के जरिए बताते हैं कि 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में साइड इफेक्ट क्या क्या हुए। दरअसल तब से अब तक बहुत कुछ अच्छा हुआ तो कुछ कुछ बुरा भी हुआ है। जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था लगातार सुधार हुआ है, लेकिन बुरी बात यह है कि अब तक आतंकी घटनाएं जारी हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक हो गए, लेकिन इस दौरान भी घाटी के नेताओं और अब नई सरकार बनने के बाद केंद्र के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। तीसरी अच्छी बात यह हुई कि घाटी से पत्थरबाज लगभग गायब हो गए, लेकिन आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। एक और अच्छी बात है कि विकास की गति जम्मू कश्मीर में भी तेज हुई है, लेकिन अब तक कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास अधूरा है। एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, यानी पिछले 30 दिनों के भीतर करीब 11 आतंकवादी घटनाएं हुई है जिसमें 10 नागरिकों की मौत हुई है। आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हमारे जवानों ने एनकाउंटर के दौरान 10 आतंकवादियों को ढेर भी किया, साथ ही 2 जवानों को अपनी शहादत भी देनी पड़ी। अब आपको कश्मीर की बदलती तस्वीर के बारे में ऐसे सच बताते हैं जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि आतंकवादी और उनके पाकिस्तान में बैठे आका क्यों इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं। 370 हटने के बाद से पिछले 5 सालों में घाटी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विकास के काम दिन रात चल रहे हैं। यही नहीं, लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में भी घाटी की जनता ने इन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। लाल चौक में दिवाली मनी, ये सभी बातें आतंकियों को कैसे अच्छी लग सकती है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए देश और दुनिया से अब टूरिस्ट लगातार पहुंचते हैं।
लेकिन ये बात आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही है। घाटी में पत्थरबाजों पर लगाम लगी तो आतंकियों ने टारगेट किलिंग के जरिए दहशत बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। और अब जब कश्मीर के विकास की बात हो या यहाँ के लोगों की जरूरतों की, आतंकवादी टारगेट किलिंग के जरिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। दूसरी ओर कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए नेता एक दूसरे पर ही सियासी हमले करने में जुटे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जुबानी जंग लगातार जारी है। कश्मीर गवर्नमेंट अभी तो दो चार दिन ही हो गए हैं और फिर होम भी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए आई थिंक इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी ऑल द फैक्ट्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल व केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। उनके द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव केवल व केवल डकौंसला है, उसकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है देश जानना चाहता है। दूसरी ओर सुरक्षा बल आतंकियों पर लगातार नकेल कस रहे हैं। शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनको इन्होंने धर पकड़ा है और इसमें ये तीन लोग जो हैं इसमें अभी डिटेन हुए हैं। उनका नाम है उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर शेख। इनका जो वाबास्ता है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है अपने हैंडलर्स जो पार पाकिस्तान में है, उनके कहने पर भी इन्होंने ये इस टाइप का जो है नृशंस कृत्य, जो कि बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था, उसको अंजाम मिलाए हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार 370 पर संग्राम छेड़े हुए है। बड़ा आसान है 370 के हवाले से अब बात करना, जब बचाने का मौका था तब क्या किया, जब रोकने का मौका था तब क्या किया। वैसे 370 हटने के बाद से पिछले 5 सालों में अब तक 577 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि 147 आम नागरिक मारे गए हैं। 5 साल में 766 आतंकी भी ढेर किए गए हैं। दूसरी ओर 185 जवानों ने अपनी शहादत भी दी है। ये आंकड़े बताते हैं कि आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके हुक्मरानों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर क्यों चलता जा रहा है। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं जो बताते हैं कि टूरिज्म ने कैसे टेररिज्म को चुनौती दी है। साल 2015 में पर्यटकों की संख्या 1,33,00,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 1,62,00,000 हो गई, यानी 22% बढ़ गई। यही नहीं, 2023 में पर्यटकों की संख्या 2019 की तुलना में बढ़कर 2,12,00,000 हो गई। जाहिर है कश्मीर बदल रहा है, दुनिया भी जानती है कि कैसे धरती की जन्नत कश्मीर पर आतंकवादियों ने बुरी नजर गड़ाई हुई है, लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वालों के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।